अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कल आप एक जरूरी काम से जाने वाले थे, वो हो गया ठीक से? जी, मेरे इंटरव्यू का लास्ट राउंड था, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। कहीं हमरी नहीं, वो एक्चुअली नहीं भाभी, हमें ये करना ही होगा अन्ना जी के घर पे। पल्लवी, लेकिन तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि तुम्हारी बात किससे हुई। फिर देवर जी के ऑफिस के नंबर पे फोन करने से क्या होगा? हम नहीं जानते इससे क्या होगा, लेकिन ये एक आखिरी कोशिश है जो हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं। हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि वो किसी भी तरह से अर्णव जी का इंटरव्यू वापस ले ले, बस उन्हें वो नौकरी वापस दे दे। प्लीज प्रियंका भाभी, प्लीज कुछ कीजिए, किसी भी तरह हमें वो नंबर वापस दिलवाइए, प्लीज प्लीज। पल्लवी, हम नंबर तो ला देंगे, पर कैसे ला, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से। पल्लवी, तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करते नंबर निकालने का। हाँ, पल्लवी देखो, हमको नंबर मिल गया। इतनी जल्दी? हाँ हाँ, हम इंटरनेट से निकाले। लो तुम फोन मिला, बात करो। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, शायद मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई थी इसलिए मुझे जॉब नहीं मिले। अर्णव बेटा, अपना दिल छोटा मत करो, हो सकता है ये मौका तुम्हारे हाथ से इसलिए निकल गया हो, कोई इससे बड़ा मौका आने के इंतजार में हो। ना, हम पल्लवी से भी कहेंगे कि वो हर गुरुवार ना आपके लिए व्रत करे, काहे कि इससे ना नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पल्लवी पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी है कि अच्छा होगा कि वो मेरे लिए और कुछ ना ही करे। हम थमाद जी, कहीं हमारी पल्लवी से कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, बस वो ये व्रत उपवास एंड ऑल इन सब में मैं मानता नहीं हूँ बस इसलिए। हम अभी फोन लगाते हैं। ये बोले बाबा, हमारी मदद कीजिएगा। वेलकम टू हाउस ऑफ सिंगार कॉस्मेटिक्स। हेलो, हम पल्लवी बोल रहे हैं, हमें आपके उन सर से बात करनी है, वो जो नौकरी देते हैं। जो नौकरी देते हैं? यू मीन एचआर? शायद वही होंगे। जी जी, हमें उनसे ही बात करनी है। लेकिन सॉरी मैम, मैं अभी आपकी बात उनसे नहीं करवा सकती, प्लीज कॉल आफ्टर फ्यू डेज। रुकिए रुकिए बहन जी, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हमारे पति अर्णव जी, उनके सपनों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, हमारे रिश्ते का सवाल है। आप एक औरत है, एक औरत का दर्द समझ सकती हैं। प्लीज प्लीज हमारी उनसे बात करवा दीजिए, बस एक बार प्लीज। मैम, मैं नहीं जानती कि आप ये क्या कह रही हैं, बट अगर मैं चाहूँ तब भी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि विकेश रामानी सर इस वक्त मुंबई में नहीं है, वो इस वक्त जौनपुर गए हुए हैं। जौनपुर में? जौनपुर में कहाँ? ये देखिए, हम जानते हैं कि आप अंदर ही हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, हम माफी मांगने आए हैं आपसे दामाद जी।
और समधन जी, दामाद जी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ही धूप है। क्या है, क्या लेने आई हो यहाँ पर? वो दिन जो ऊख कितनी पार्टी में जो हुआ, तुमने अपना असली रंग दिखा दिया था ना, तो क्या लेने आई हो, जाओ यहाँ से। हमें शाश्वत जी से बात करनी है। माफ कीजिएगा, लेकिन वो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सुनिए, आप हमको माफ कर दीजिए। खोलिए दरवाजा। आज तक इस शहर में किसी की इतनी हिम्मत ना हुई कि हमरे मुंह पे दरवाजा बंद करे। अपमान का ये घूंट हमें आपकी वजह से पीना पड़ा बबली देवी जी। हम ठीक लग रहे हैं ना भाभी? पल्लवी, सच में उस आदमी से मिलने जा रही हूँ, वो यहाँ होटल में ठहरा हुआ है। कैसे जा सकती हूँ भी अकेले? पल्लवी नहीं, तुम नहीं जा सकती। हमें जाना ही होगा भाभी, अर्णव जी की खुशी के लिए। पल्लवी, तुम पागल हो गई हो? हमारे घर के बहुए घर से बाहर अकेले नहीं जाती हो। गलती से भी पापा जी को पता चला ना तो भौकाल आ जाएगा। पल्लवी, तुम प्लीज कहीं मत जाओ, हमारी बात समझो। जिसका अपना पति उसे अपनी असफलता की वजह मानने लगे, उसके लिए इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बस यहाँ संभाल लीजिएगा भाभी, हम जल्दी लौट आएंगे। और हो सके तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसमें सफल होकर लौटे। हम चलते हैं। हे भोले बाबा, आज पहली बार जानबूझकर अपने ससुराल का नियम तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अर्णव जी के साथ हुए गलत को सही करने के लिए हमें ये पाप अपने सर पर लेना ही होगा। कुछ भी करके हमें होटल पहुंचना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। जय भोलेनाथ। होटल में आके मिलो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। करिश्मा, दामाद जी, क्या हुआ? आप परेशान काहे दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? जी जी जी, हाँ हाँ, सब सब ठीक है। वो एक्चुअली मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो इसलिए मुझे निकलना होगा। जी एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, काहे के घर आए हुए दामाद को हम घर से खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं? लीजिए ना। I'm sorry, लेकिन पापा जी को अकेले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं आया तो उन्हीं के लिए था, लेकिन काम आ गया। इसमें कोई बात नहीं बेटा, अरे हम है ना, हम संभाल लेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। व्यापार मंडल की मीटिंग है और उसका अध्यक्ष होने के नाते हमें वहां जाना ही होगा। रुकिए जरा, ये देखो हमारे पास ना एक तरकीब है। ओ, आप अपना फोन दोबारा निकालिए, तो निकालिए और वो दमकल विभाग को जरा फोन लगाइए और कहिए कि हमारे दामाद जी के घर पे जो है वो आग लगी है,
खूब फर से आएंगे और फर करके पानी डालेंगे हा? और दामा जी उनकी अम्मा बहते बहते जब आएंगे उनके पैर पकड़ के हम माफी मांग लेंगे बस। और अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाना ही होगा। ठीक है फिर चलते हैं, कल दोपहर को आते, खा पी के आते हैं, दुई कुर्सियां भी लेकर आते, बैठने की जगह नहीं ना यहाँ। चलिए फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, आप यहीं रुकेंगी, दरवाजा खुलने का इंतजार करेंगी आप, और जब तक दामाद जी आपको माफ नहीं कर देते आप यहाँ से हिलेंगी नहीं। है? है नहीं? हाँ। वाह ससुर जी वाह, क्या बात कही आपने, आप जाइए यहाँ से आराम से, इन्हें तो हम देखते हैं। जी नमस्ते। हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? आई वांट टू मीट बॉस, आई वांट टू मीट बॉस कॉस्मेटिक कंपनी मुंबई। कौन से बॉस मैम? यहाँ तो बहुत सारे बॉसेस आते हैं, आप अगर मुझे उनका नाम बताएंगी तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। जी विकेश रमानी, उनसे मिलना है। हाउस ऑफ श्रृंगार के एचआर। लेकिन उनके नाम से तो आज आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंट? देखिए हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप कैसे भी करके हमें उनसे मिलवा दीजिए बस प्लीज। सॉरी मैडम, नॉट पॉसिबल। एक्चुअली बिना अपॉइंटमेंट के सर किसी से भी नहीं मिलते हैं, तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। ऐसा मत कहिए बहन जी, हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस दो मिनट, प्रॉमिस प्लीज हमें उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, मैं आपको उनके रूम में जाने की इजाजत तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप अगर चाहे तो यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर सकते हैं, अभी कुछ ही देर में उनका चेकआउट है, उसके बाद में आप उनसे मिल लीजिए। जी ठीक है, हम उनका इंतजार कर लेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच। अब ऐसा काहे कर रहे हैं श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हम का अकेले ऐसे धूप में छोड़ के जा रहे हैं? अपनी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ती है बबली देवी जी, आप भी भुगती है। डोंट वरी नानो, मैं नजर रखूंगा नानी पर। शाबाश बिट्टू, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजना, ठीक है? हम देखेंगे कि तुम्हारी नानी ने तुम्हारे पप्पा से कैसे माफी मांगी और तुम्हारे पप्पा ने इन्हें माफ भी किया या नहीं, ठीक है? चलो चलते हैं हम। तनिक रुको, ये छाता तान के गाड़ी में बैठोगे क्या तुम? ये हमारे लिए छोड़ो। अरे छोड़ो, ए छोड़ो। और हाँ, जैसे ही माफी मिल जाए फोन कर देना, हमें गाड़ी भिजवा देंगे। सॉरी, हाउ डेयर यू। मुझे यहाँ से किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ पे फ्रेंच वाइन अवेलेबल नहीं है। आई वॉन्ट दैट ओनली, यू अंडरस्टैंड? और हाँ, बाकी के अरेंजमेंट उनका क्या, वो हुए या नहीं? सुन रही हो क्या, देख क्यों रही है ऐसे मुझे? तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मौज मस्ती मेरे साथ और शादी इसके साथ? सॉरी, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये तो वही लड़की है जिसने हमारी शादी में आकर अर्णव जी की गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोला था। Everything is ready, ma'am. श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी गए, कैसे परीक्षा ले रहे हो आप हमारे भगवान जी? हाँ, इनकी वजह से हमारे बिट्टू को धूप में चलना पड़ रहा, तबीयत ना खराब हो जाए हमारे बच्चे की। बेचते हैं चड्डी बनियान और देवर देखो इनके जैसे हो, कौन महात्मा महान।
शादी से पहले हमारे हाथ पे थूके थे मर्दूद। सॉरी बिट्टू बेटा, पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लेकिन तुम्हारी नानी को जब तक उनकी नानी की याद ना दिला देना, तब तक तुम्हारे पापा को चैन नहीं आएगा, और उसके लिए तुम्हें भी थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। अभी से ही प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। और सासू माँ, आप मोहल्ले की 20 औरतों के सामने हमारी बेइज्जती की थी ना, तो अब जब तक हमारे मोहल्ले की 40 औरतों के सामने आपकी बेइज्जती ना हो जाए, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। और तब शायद हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाए, हम दरवाजा खोल दें, लेकिन अभी तो नहीं। दामाद जी, दरवाजा तो खोलिए दामाद जी। देखिए आकाल मृत्यु का पाप चढ़ेगा, दरवाजा खोलिए। Yeah, sure. What? Excuse me, madam. जी, कहिए। आप जिसका वेट कर रही थी वो आ गए। Of course I'm coming. हाँ बस एक दो मीटिंग्स है, एक दो सिग्नेचर्स करने हैं, then I'll be back. Okay. हाँ, my bill is clear. Yeah. And this is for you and other staff. थैंक यू सो मच सर। सर, ये लेडी आपका काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना है, एंड आई एम ऑलरेडी लेट। सर सुनिए तो, एक वो जॉब मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, इतने सालों से लगा हुआ था उसके पीछे में, मेरी सारी फ्यूचर प्लानिंग, सारे सपने जुड़े हुए थे उसके लिए। तुम्हारी कंफ्यूजन ने ना मेरा 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 सारा करियर बर्बाद कर दिया है। दामा जी, दरवाजा खोलो। दामा जी, दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो, नाराजगी छोड़ो, चाहे तो हमारी टांगे तोड़ो। दामा जी, दरवाजा खोलो। ए जाना, काम नहीं है क्या तुमका? मतलब सर्कस हो रहा है का? ए दामा जी, दामा जी, दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो, 10 तोला सोना ले लो। दामा जी, दामा जी, दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो, दामा जी, दरवाजा खोलो। क्या जी, क्या हाल है? 10 तोले की चेन देने की बात कर रही है अम्मा तुम्हारी, खा खरे मान जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर खोल दीजिए दरवाजा। नहीं, हम एक बात बताइए, ठहरे तो आप चट्टी बनियान बेचने वाले ही ना, 10 तोले के लिए आपने अपनी इज्जत बेच दी। झिलमिल, देखो हम तुमसे कह रहे हैं, हमसे तमीज से बात कर लो, हम बता रहे हैं। बुरा मत मानिए, हमारे कहने का तो मतलब था कि आपकी कीमत तो 10 तोला से भी ज्यादा है जी। मम्मी ने ना बहुत कम भाव लगाया है ना, अगर आपको हल्के में जाना है तो खोल दीजिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या पता मम्मी गोली बढ़ा दे। ठीक है फिर। दामा जी, दरवाजा खोलो, कछ तो बोलो। Are you mad? अरे मुझे अर्जेंटली कहीं निकलना है, कुछ पेपर्स साइन करने हैं, वरना मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं कैब लेकर आता हूँ, बस 2 मिनट। गो फास्ट। हम बाहर से कोई कैब लेके आते हैं। जाओ। ये तो पहले ही इतने परेशान है, ऐसे में ये क्या है, हमारी बात सुनेंगे? हे भोले बाबा, अब हम क्या करें? तो ऑलरेडी इतना लेट हो गया, ऊपर से ये लोग, ड्राइवर भी कहाँ चला गया, और ये आदमी, ये भी इसी टाइम जाना था। ड्राइवर,
इस वक्त इनके दिमाग में सिर्फ अपने काम की बात चल रही है। अगर अगर ऐसे में इनका कोई नुकसान हो गया तो हमें नहीं लगता ये हमारी बात सुनेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि इनका नुकसान ना हो। क्या करें क्या करें? भैया ये रिक्शे वाले भैया कहाँ हैं? बहुत देर से दिख नहीं रहे, पता नहीं कहीं गया हो। हे भोलेनाथ, अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा साथ देना। क्या कर रही हो? वही काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना? करिश्मा तुम इतना कैसे कर सकती हो? जस्ट लीव मी। तुम नहीं जानते है ना कि कितना मिस किया मैंने तुम्हें सारे बीते हुए दिनों में। सिर्फ आज की रात मेरे यहाँ जाओ ना, फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें आजाद कर दूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे पता है मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर कोई कैब नहीं मिल रहा है। मैं देखो कैसे भी करके वहां पहुंच रहा हूँ, मुझे नहीं पता पर मैं पहुंच रहा हूँ। ओके